बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। हिंदुस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में, बहुत बड़ी आफत में फंस चुका है। अगर किसी को नहीं पता तो वो वाहिद शख्स है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी BJP, भारतीय जनता पार्टी। इनको अभी तक नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह कम पड़ चुकी है, लोगों को सड़कों पर लाकर, पार्क्स में लाकर जलाया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, एक एक स्ट्रेचर के ऊपर, एक एक बेड के ऊपर दो दो तीन मरीजों को लिटाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जाने को तैयार नहीं है, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन कम पड़ चुकी है। ये चीजें मोदी को नजर नहीं आ रही और इसके पीछे वजह यही है कि मोदी ही एक्चुअली इस सब का जिम्मेदार है। वो किस तरह, मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि मोदी ने वहां पर एक मेला करवाया जो कि मजहबी त्यौहार है, सालाना त्यौहार है जिसको कुंभ का मेला कहा जाता है। और उस मेले में 48 लाख हिंदू वहां पर एक जगह पर इकट्ठे हुए जो कि इंतहाई खतरनाक था। और इस मेले के शुरू होने से पहले जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उन्होंने इस तरफ इशारा दिया था कि अगर आप ये त्यौहार करवाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत खतरनाक नतायज देखने को मिलेंगे। खुदारा आप ये मेला मत करवाएं, इससे आपके मुल्क का, आपके लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन चूंकि हिंदू एक इंतहा पसंदाना सोच के मालिक है, जिसको आप मजहबी इंतहा पसंदी कहते हैं, और ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर लगा हुआ है। हालांकि इंतहा पसंदी का मुजाहिरा मोदी की सरकार ने जो दिखाया वो सबको पता है कि एक चीज के बारे में पहले से बताया जा रहा है कि अगर आपने ये मजहबी त्यौहार करवाया, आपने कुंभ का मेला करवाया, तो इसके आपको खतरनाक तरीन नतायज देखने को मिलेंगे। उसके बावजूद मोदी की सरकार कहती है कि नहीं, हम ये मजहबी त्यौहार करवा कर रहेंगे। और फिर वो त्यौहार होता है और उसके बाद आपको क्या कुछ देखने को मिला, बहुत सारी वीडियोस आई, मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। कुछ वीडियोस शायद आप देख भी ना सके कि इतनी अफसोसनाक है। कितना भी कोई संगदिल इंसान हो, उसको उस वीडियो को देखकर उसको रहम आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका माइंडसेट तैयार किया गया है या खराब किया गया है, जो कि मुसलमान है और पाकिस्तानी है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है उनके साथ, और ये चीज वो डिजर्व करते हैं। उसकी वजह जब उनसे पूछी जाती है कि क्यों भाई, क्यों यार, वो भी आखिर इंसान है, जो भी उनका मजहब है हमारे अजली दुश्मन है, हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आवाम मर रही है, आम लोग मर रहे हैं, कहते हैं कि उनको मरना चाहिए। क्यों मरना चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ये उन लोगों का जवाब होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। और हिंदुस्तानी कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो इसलिए अल्लाह ने उनके ऊपर ये अजाब नाजिल किया है। इस माइंडसेट के पीछे, जो पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में लोग इस तरह की कहानियां आपको सुनने को मिल रही है, इसके पीछे जो वजह मुझे एक्चुअली नजर आई वो है इंफॉर्मेशन की कमी, यानी कि लोगों को मालूमात जो है फराहम नहीं की जाती, और दूसरा एजुकेशन की कमी। हिंदुस्तान की जानिब देखे या पाकिस्तान की जानिब देखे, ना यहाँ पर लोगों को एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मिलती है, जो ठीक से मालूमात होती है वो मिलती है, ना लोगों को एजुकेशन दी जाती है। और अब तक पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, एजुकेशन सेक्टर में कितना कोई काम किया गया है वो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। तो पहला जो इसमें इशू है वो है इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन से मुराद ये है मालूमात, मालूमात से मुराद ये कि आपको मालूमात अब कौन देता है? आपको मीडिया या सोशल मीडिया, जो आजकल बहुत ज्यादा ही छाया हुआ है, वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, तो पिछले 5 साल से सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है, इंफॉर्मेशन का जरिया बन चुका है। ये दो जो प्लेटफॉर्म है इसको हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस वक्त इंडियन मीडिया और इंडिया की गवर्नमेंट ये ना दिखा रही है ना मानने को तैयार है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो चुकी है, वो बहुत ही बदतरीन और बहुत खतरनाक हो चुकी है। जबकि आप इंडिया के वो इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स अगर देखते हैं या ब्लॉगर्स के आर्टिकल्स पढ़ते हैं या उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो वो आपको हकीकत दिखाएंगे कि लाशें पड़ी हुई है, लोगों को जलाया जा रहा है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जाने को तैयार नहीं है, एक एक बेड के ऊपर तीन तीन चार चार मरीजों को लिटाकर उनको वहां पर ट्रीट किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। ये इंडिया का जो यूट्यूब मीडिया है वो दिखा रहा है, लेकिन गुदी का जो मीडिया है, जिस मोदी का मीडिया, जिसको गुदी मीडिया आई थिंक कहा जाता है, कंट्रोल्ड मीडिया, जिसको पकड़ा हुआ है मोदी ने अपने हाथों में, अपने कब्जे में, उनको फंडिंग करते हैं, उनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि भाई आपने वो दिखाना है जो हम आपको बताएंगे।
इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की जो पब्लिक है, आम आवाम है, जो जनता है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक असल मालूमात पहुंच ही नहीं पा रही। इसलिए जो इंडियंस है वो हमेशा इस चीज का शिकार रहे। कश्मीर के केस में अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में होने वाला जुल्म और जबर, जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन भी कई सालों तक सोया रहा, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है और पिछले 5 साल से जिस तरह की वीडियोस कश्मीर से निकलकर सामने आई है, जिस तरह से स्टोरीज वहां से सामने आई है, तो उसके बाद हिंदुस्तान, मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की नहीं, मोदी और मोदी की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया पर आप देखते हैं कि वो बताते हैं कि कश्मीर के अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब ओके की रिपोर्ट है। और यही चीजें इंडिया की जो आवाम है उनको पता चलती है टीवी चैनल्स के जरिए। तो भाई, इसकी जिम्मेदारी आप इंडियन पब्लिक पर नहीं डाल सकते। इंडियन पब्लिक को अगर ठीक से इंफॉर्मेशन दी जाए, मालूमात दी जाए, उनको बताई जाए कि भाई आपके कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम के पीछे कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी आर्मी, आपकी अपनी पुलिस और आपकी अपनी रियासत, आपके तमाम तर रियासत के इदारे और आपकी गवर्नमेंट इसके अंदर मुलव्विस है। लेकिन वहां पर कोई अगर ये हिम्मत करके दिखा दे, कोई बंदा इस तरह की आवाज उठाए, तो या उसको उठा लिया जाता है या फिर आरएसएस या फिर किसी शिवसेना के जरिए उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर इंडियन जो पब्लिक है उसको ये बताना चाह रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई जो आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये खतरनाक भी है, ये अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक ऐसे है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इंडियन मीडिया कितना कोई कंट्रोल्ड है, कितना कोई मोदी ने उसको दबाया हुआ है, दबोच कर रखा हुआ है। आप इंडिया के एक दो जो एंकर्स हैं बड़ी बड़के मार रहे होते हैं, आप उनके हालात देख लें कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कबूतर भी आ जाए तो उसको वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है। अगर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर कोई ड्रोन गिर जाए जो आजकल 5-10 हज़ार रुपये में टूटा फूटा मिल जाता है, तो उसका इल्ज़ाम डायरेक्टली ISI पे लगाया जाता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम रोड तेज़ी के साथ क्रॉस कर ले और इंडिया के मीडिया का कोई कैमरा उसको पकड़ ले, तो बताते हैं कि जनाब ये दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है, क्योंकि ये तेजी में सड़क क्रॉस कर रहा था, इसी का यही सबूत है। और पूरी की पूरी इंडियन पब्लिक जनाब मान जाती है कि जनाब ये टेररिस्ट है। तो इंडियन जो पब्लिक है बेचारे, उनको ठीक से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की जाती, उनको कभी बताया ही नहीं गया कि भाई कश्मीर के अंदर रोजाना कितने लोगों को मारा जा रहा है। बिलखसूस जब से वहां पर जो आर्टिकल सस्पेंड किए गए हैं, जो कश्मीर की खसूसी हैसियत है उसको खत्म किया गया है, उसके बाद कश्मीरियों पर जिस तरह से मजालिम बढ़ाए गए, इस सब के बारे में किसी भी इंडियन को कुछ भी नहीं पता। वजह क्या है? उनका मीडिया कंट्रोल्ड है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी आप इंडिया की आवाम पर नहीं डाल सकते। इंडिया की आवाम के साथ जो हो रहा है इसके पीछे कोई साजिश नहीं है बल्कि खुद मोदी है, और मोदी जी इस चीज को ना एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना मानने को तैयार है, और उनका मीडिया ये दिखाने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह एजुकेशन है, और एजुकेशन में हमने या इंडिया ने अभी तक क्या कुछ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा ऐसे इल्जामात इन पर मत लगाएं इंडिया की आवाम के ऊपर। आप उनकी गवर्नमेंट पर ज़रूर तनकीद करें, हम भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है, लेकिन उनकी आवाम को इस तरह से आप मत कहें। और इंडियन जो आवाम है अगर उनको कोई इस तरह की वीडियो मिलती है तो आप उनको दिल पर मत लें। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर भी लोगों को ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि रेटिंग एक ही चीज की है, पाकिस्तान इंडिया की जंग। अगर कोई अमन की बात करता है तो उससे रेटिंग किसी सूरत भी नहीं निकलने वाली। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।